तात करहु जनि सोच विषय की, करहु जनि सोच विषय की, करहु जनि सोच विषय की, तात 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 करहु जनि सोच विषय की, राम पद देखी, सब दुख मिटहि राम पद देखी, राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम मिटे राम पद देखी है। इस बात को लेकर दुखित हो रहे हैं, ये दुख कब तक? जब तक राघव के चरणों से दूर हो। जैसे राघव के पादार विंद का दर्शन हो जाएगा, सारे दुखों का समाधान हो जाएगा। देवर सिन्हा ने कहा भक्ति महारानी से, श्री कृष्ण चरणाम भोजम स्मर दुखम गमिष्यति। और भगवान कहीं चले थोड़ी गए हैं। जिन्होंने कौरवों से द्रौपदी को बचाया था, गोप सुंदरियों को समाप्त किया था, भूल गई शायद आप। भगवान ने अपने चित रूप से आपका सृजन किया है और साक्षात मुक्ति आपके यहां दासी का कार्य करती है। देवी दुख तो सहना पड़ेगा, क्यों भाई? जहां रिश्तों का निर्माण है वही तो दुख है ना। आप रिश्ते बनाती ना दुख का अनुभव करती। यदि दुख से डर लगता था तो ज्ञान और वैराग्य को पुत्र के रूप में स्वीकार करना ही नहीं था, रिश्तों का निर्माण करना ही नहीं था। दुख कब आए? जब हमने रिश्तों का निर्माण किया। हम नित्य प्रति अखबार पढ़ते हैं, हम नित्य प्रति टीवी में समाचार सुनते हैं। अखबार पढ़ा, आज ट्रेन से ट्रक टकरा गया, इतने लोग मर गए। आज चलती ट्रेन से ट्रैक्टर की ट्राली टकरा गई और इतने लोग एक्सीडेंट में मारे गए। टेम्पो से ट्रक टकरा गया, इतने लोग मर गए। बाइक में तीन युवक बैठे थे, बस आगे से आ रही थी, टकरा गई बाइक और तीन की मौत हो गई। पेपर पढ़ रहे थे, पन्ना दर पन्ना पलटते गए, क्या आंसू आए? और रोज कोई ना कोई समाचार पढ़ते रहे हम लोग एक्सीडेंट की, दुर्घटना के, लेकिन आंसू नहीं आए। आज हम अखबार लेकर पढ़ने बैठे थे तो पढ़ा क्या कि हमारे किसी स्वजन का निधन हो गया, अपने प्रियजन का निधन हुआ, जानकारी हुई।
आंखों में आंसू आ गए, पत्नी को बुलाया, सुनती हो? आवाज आती, सुनाओ। अरे पास आओ, अरे तुम्हारी तो आदत है बिना पास बुलाए रहते ही नहीं हो। अरे भागमान इधर तो आ। पत्नी आती है, पति कुछ बताना चाहता है, कंठ अवरुद्ध हो जाता है। पत्नी कहती है, क्या क्या हुआ? पति पेपर पढ़ाता है, पत्नी धराम से पृथ्वी पर गिर जाती है अपने स्वजन का निधन सुन करके। पेपर तो रोज पढ़ती थी, पति रोज सुनाता था, लेकिन आंखों में आंसू नहीं आते थे। आज आंसू आए, क्यों आए? इसलिए आंसू आए कि आज अपनी प्रियजन का निधन हुआ। अब प्रिय का निधन हुआ इसलिए आंखों में आंसू आ गए। देवसनाथ ने कहा, ज्ञान भैरव को तुमने पुत्रों के रूप में स्वीकार किया है तो पुत्रों के दुख और सुख का अनुभव तो आपको करना पड़ेगा। देवी आप साक्षात भक्ति हैं, आप जिस घर में वास करते हैं उस घर में प्रेत पिशाच डाकनी साकनी प्रवेश नहीं कर पाते। अब कलयुग के समान दूसरा कोई युग नहीं है। कालिना सदृशः कोऽपि युगो नास्ति वदानने तस्मिन् स्वां स्थापयिष्यामि गेहे गेहे जने। कलयुग के समान कोई युग नहीं है, और यदि घर घर में जन जन में मैंने आपकी स्थापना नहीं कर दिया तो तदा नाम हरेर दासो लोके त्वाम ना प्रवर्तये। मैं अपना नाम हरिदास नहीं कहलाऊंगा। देवी भगवत प्राप्ति के लिए अब तपस्या करने की जरूरत नहीं रही, अब वेदाध्ययन की भी जरूरत नहीं रही, अब काशी में जाकर ज्ञानार्जन करने की भी जरूरत नहीं रही। न तपो भीर न वेदस्य न ज्ञाने नापि कर्मणा। तो कैसे मिलेंगे प्रभु? तपस्या की जरूरत नहीं, ज्ञानार्जन की जरूरत नहीं, वेदाध्ययन की जरूरत नहीं, तो कैसे मिलेंगे प्रभु? बोले हरि ही साध्यते। भक्ति महान का आगे बोलो ना। बोले भक्त्या तुष्यति केवलम न च गुणे भक्ति प्रियो माधव। हरि ही साध्यते भक्त्या। भगवत प्राप्ति का एक सरलाति सरल सहज यदि कोई उपाय और साधन है तो वो है एकमात्र भक्ति मात्र तुम। भक्ति ने कहा कोई प्रमाण? बोले दूर जाने की जरूरत नहीं है, प्रमाणम तप्त गोपिका, गोपी जन इसका आचार्य है। सुना है संतों के द्वारा 6-6 महीना तक गोपियां स्नान नहीं करती थी, पर दधि मंथन करके मक्खन लेकर के कान्हा को अपने हाथों से गोपियां मक्खन खिलाती थी। उस ब्रह्म को, उस परमात्मा को जिसके लिए बाबा ने लिखा जन्म जन्म मुन जतन कराए, जन्म जन्म मुनि जतन कराही, जन्म जन्म मुनि जतन कराही। राम सही आवत नाही, राम सही आवत नाही, राम सही आवत नाही, राम सही आवत नाही। योगी ध्यानी मुनि सब ध्यान करते हैं, प्रयत्न करते हैं, प्रयास करते हैं, प्रमुख से हरि नाम उच्चरित नहीं होता, और एक गोपिया है जो अपने हाथों से कान्हा को मक्खन खिलाती है। हरि ही साध्यते भक्त्या प्रमाणम तत्र गोपिका। बहुत कर लिया तीर्थ, बहुत कर लिया व्रत, एकमात्र भक्ति गर्जना कर रही है किसके लिए? मुक्ति देने के लिए। सूत मुनि का हृदय गदगद है,
सूत मुनि कहते हैं सुनकादृशो देवर्षि नारद के द्वारा अपनी महिमा सुन करके भक्ति महारानी गदगद हो गई, नाचने लग गई और देवर्षि नारद को धन्यवाद देती हुई कहा, मैं आपको धन्यवाद देती हूँ और वचन देती हूँ, न कदाचित विमुंचामि चित्ते स्थास्यामि सर्वदा, मैं आपके चित्त में सदा सर्वदा वास करूंगी। देवर्षि नारद तो नाचने लग गए महाराज, मस्त हो गए और भक्ति महारानी के समक्ष भक्ति महारानी ने कहा, देवर्षि वो तो सब ठीक है पर एक बात का ध्यान दे, क्या? ज्ञान और वैराग्य मेरे दोनों पुत्र हैं। बोले बस बस बस, जो चाहिए था मुझे मिल गया, आपने दिया, अब मेरा काम है मैं आपको दूं सुख भरा संदेश। ज्ञान वैराग्य के कर्ण के समीप अपने मुख को किया देवर्षि नारद ने, जगाने का प्रयास किया, उद्यम किया, वेद का पाठ किया, वेदांत का पाठ किया, बार बार गीता का पाठ किया, जगे तो सही लेकिन जमहाई लेते लेते पुनः लंबे पड़ गए। बहुत काल से क्षुधातुर थे भी थे और पिपासा से भी युक्त थे, न जल पीने को मिला था न अन्न खाने को मिला था, जमहाई लेते लेते लंबे पड़ गए। देवर्षि नारद को चिंता हुई, अहो निद्रा कथम याति वृद्धत्वं च महत्तरं, चिन्तयन् निति गोविन्दं स्मरयामास भार्गवं, स्मरयामास भार्गवं, चिन्तयन् निति इनकी यह निद्रा, इससे बढ़कर इनकी वृद्धावस्था। देवर्षि नारद को चिंता हुई तो किसका स्मरण किया? बोले गोविंद का स्मरण किया। आकाशवाणी हुई, उद्यम सफलस्तेयम् भविष्यति न संशय, आप जो उद्योग कर रहे हैं सफल होगा, लेकिन किंतु परंतु इसके लिए आपको एतदर्थम सत्कर्म सुरदसे त्वं समाचर, एतदर्थं तु सत्कर्म सुरदसे त्वं समाचर। एक सत्कर्म आपको करना होगा और उस सत्कर्म को संत महापुरुष बताएंगे, और जैसे ही आप उस सत्कर्म को करेंगे ज्ञान वैराग्य को तरुणावस्था यानी युवावस्था की प्राप्ति हो जाएगी, भक्ति महारानी का प्रचार और प्रसार होगा। आकाशवाणी शांत हो गई, सुना तो सबने पर आदेश देवर्षि नारद के लिए हुआ। देवर्षि नारद ने कहा सत्कर्म करना होगा, सत्कर्म को संत महापुरुष बताएंगे, पर वो संत महापुरुष मिले ही कहा आकाशवाणी ने ये तो बताया नहीं, चिंतित हुए। पर संत का जीवन मात्र परोपकार के लिए होता, परोपकार आय सताम विभूतया, देवर्षि नारद चल पड़े। मार्ग में जो उन्हें मिलते लोग बोलने को तैयार ही नहीं होते, क्यों? त्रिलोक में हाहाकार मच गया, जिस बात का ज्ञान देवर्षि नारद को नहीं भला हमें कहां से हो सकता है। और यदि देवर्षि नारद ने पूछा नहीं बताया तो उपहास के पात्र बनेंगे, तो किसी ने तो रास्ते छोड़ दिया, कोई टकरा ही गया तो देवर्षि नारद ने प्रश्न कर दिया तो मौनी बाबा बन गए, न रहेगा मांस न बजेगी बांसुरी। देवर्षि नारद ने कहा इसका मतलब समाधान दूर है, क्या करें? तपश्चरामि चात्रेति तदर्थम कृत निश्चय। देवर्षि नारद ने वहीं पर ज्ञान वैराग्य को छोड़ा, चल पड़े तपस्या करने के लिए विशालापुरी के लिए, और धीरे धीरे बद्रीनाथ धाम पहुंचे। और जैसे बद्रीनाथ धाम पहुंचे चारों भाइयों ने देखा, कुमारों भाइयों ने और कुमार भाइयों ने अपनी अपनी ओर से प्रश्न कर दिया, कथम ब्राह्मण दीन मुका कुतश्चिंता तुरो भवान त्वरितं गम्यते कुत्र कुतश्च गमनं तव कुतश्च गमनं तव। चारों भाइयों ने प्रश्न किया, देवर्षि नारद ने चारों भाइयों को देख करके प्रणाम किया
और बाबा तुलसी का मन मयूर नर्तन करने लग गया। बाबा तुलसी से नहीं रहा गया। बाबू कहते हैं आज धन्य मैं सुनो मुनीसा, 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 तुम्हारे तरस जा आज मेरा हो भाग्य आप जैसे संतों का दर्शन हुआ। आप जैसे संतों का दर्शन जन जन मंत्रों के पापों का नाश करता है। बड़े भाग पाई सत्संगता, बिना ही प्रयास हुई भो भंगा। आप वैकुंठ में वास करते हैं, आपके जीवन भगवान नारायण का नाम होता है, आप उसका आलोड़न प्रलोड़न करते हैं। भगवान ये बताइए कि आकाशवाणी ने जो आदेश किया है वह कौन सा सत्कर्म है, वह कौन सा अनुष्ठान है? अशरीर गिरोक्तम यत् तत्किम साधनम उच्यताम अनुष्ठेयम कथम तावत् परब्रुवन्तु सविस्तरम्। भक्ति ज्ञान विरागाणाम सुखमुत्पद्यते कथम स्थापनम सर्ववर्णेषु प्रेम पूर्वम प्रयत्नतः प्रेम पूर्वम प्रयत्नतः। कौन सा वो सत्कर्म है जिसके करने से ज्ञान वैराग्य को युवावस्था की प्राप्त होनी और भक्ति का प्रचार और प्रसार होना है। सभी वर्णाश्रमियों में, सभी धर्मावलंबियों में भक्ति की सम्यक स्थापना कैसे हो, प्रेम पूर्वक स्थापना कैसे हो, आप मार्ग बताइए और उपाय बताइए। कुमार भाइयों का हृदय गदगद हो गया। कुमार भाइयों ने कहा देवर से पहले तो आप प्रसन्न चित्त हो जाइए, भाई हो तो कुमार भाइयों जैसा। देखिए चर्चा देखिए, लोग कहते हैं हम कथा क्यों सुने, और हम एक बात भाई डंके की चोट पर कहा करते हैं कि हम कथा क्यों नहीं सुने। लोग कहते हैं कथा क्यों सुने, मैं कहता हूं कथा क्यों नहीं सुने। पर एक बात जानना चाहूंगा, कुमार भाइयों के साथ में देवर स्नात का रिश्ता क्या है, कोई बता सकता है, कोई हाथ उठा सकता है? हाँ, हाँ। चलिए, देवर से नारद का रिश्ता कुमार भाइयों के साथ में भाई का है। ब्रह्मा जी के मानस पुत्र कुमार भाई हैं और देवर से नारद। इस कथा का आशय क्या है, इस कथा का उद्देश्य क्या है, ये कथा यहां पर क्यों कही गई? इसलिए कि संसार के भाई सुने तो इस कथा को धारण करें। जब दो भाई, तीन भाई, चार पांच छह सात जितने भाई हों, जब परस्पर मिले बैठे तो उन्हें क्या करना चाहिए, इस कथा का मुख्य मकसद यह है। जब भाई भाई बैठे तो क्या धर्म यह कहता है कि संसार की चर्चा करें? क्या यह जरूरी है कि वो विवाद की चर्चा करें? क्या यह जरूरी है कि संसार के बंटवारे की चर्चा करें? नहीं। जब दो भाई मिले, तीन भाई मिले, अथवा जब भाइयों का समूह बैठे तो लोग चर्चा न करके आध्यात्म चर्चा करना चाहिए, शास्त्र चर्चा करनी चाहिए। मुझे प्रसंग बहुत प्यारा लगता है, बहुत प्रिय लगता है। और यही नहीं,
मैं मानस में भी जाता हूं, प्रवेश करता हूं, अध्ययन करता हूं, चिंतन करता हूं, और जब भाइयों के प्रेम को पढ़ता हूं उसमें अपने आप को संभाल भी नहीं पाता। देखिए कुमार भाई मिले थे, बहुत दिनों के बाद मुलाकात हुई थी, होना तो ये चाहिए था कि परस्पर कुशल क्षेम पूछते, देवर सनात पूछते आप चारों भाई क्या करते रहते हैं, तो चारों भाई पूछते देवर सनात कहां से आ रहे हैं और ठीक ठाक गुजर रही है ना, खाने पीने प्रबंध हो जाता है ना, आज आज बातें। लेकिन नहीं, भागवत धर्म कहता है, हमारे शास्त्र कहते हैं, हमारे पुराण कहते हैं, कथाएं मनोरंजन का साधन नहीं, आत्मरंजन का साधन है, मनोमंथन का साधन है। आज कथाओं को लोगों ने मनोरंजन बना दिया, लोग का व्यवहार बना दिया कि हमको फला के व्यवहार में जाना है तो इतनी देर बैठ जाना है। नहीं, कुमार भाइयों से सीख लेनी है कथा मात्र ही का जीवन, जीवन कैसा हो बोला एकमात्र कथा में जीवन होना चाहिए। और चिंता देखिए, कुमार भाइयों से मुलाकात हुई तब देवर्षनाथ ने कहा भक्ति ज्ञान विरागाणाम सुखम उत्पद्यते कथम, सुख की प्राप्ति कैसे हो, नहीं कहा कि मैं बहुत परेशान हो गया, धर्म संकट में पड़ गया, नहीं, सुखम उत्पद्यते कथम, सुखम उत्पद्यते कथम, कैसे सुख की प्राप्ति हो, इतना नहीं, स्थापनम सर्ववर्णेषु, ऐसा नहीं कि ब्राह्मणों में ही, क्षत्रियों में ही, वैश्यों में ही, नहीं, सर्ववर्णेषु, जितने भी जगत के वर्ण हैं उन सब में प्रेम बलात् नहीं, जबरदस्ती नहीं, प्रेम पूर्वम प्रयत्नता, प्रेम पूर्वक कैसे भक्ति की स्थापना हो, अज्ञान वैराग्य की स्थापना हो। मतलब जब भाई मिले तो आध्यात्म चर्चा करें, शास्त्र चर्चा करें, एकांत लाभ हम वचसो अनुकूषा सुश्लोक मौलिय गुणमात्र, एकांत का यही लाभ है। और ये तो सहज बात है, देवर्षि नारद विविधान लोका पर्यटन, विविधान लोका विविध लोकों में भ्रमण करते हुए आए थे, पर राघव को तो 14 वर्ष का वनवास हुआ था। मानस को उठा करके देख लीजिएगा, 14 वर्ष का वनवास हुआ था, पंचवटी की भूमि में बैठे थे, एकांत था, न वहां कैकेयी थी, न उसकी दासी थी, न उसके दूत थे, चाहते तो दोनों भाई बैठ करके मंत्रणा करते, कैकेयी अम्बा ने 14 वर्ष का वनवास दिया है, 14 वर्ष पूर्ण होते ही अयोध्य में चलेंगे, ढंग से खबर लेंगे कैकेयी मैया से, होना तो चाहिए था यही, लेकिन नहीं। जब परस्पर दो भाई मिलते हैं बैठते हैं तो ईश्वर जीव भेद प्रभु सब ही कहो समझा, बड़ा सुंदर प्रसंग है, बड़ा मार्मिक प्रसंग है। यदि मानस में प्रवेश कर जाएंगे तो भागवत की कथा पूर्ण नहीं हो पाएगी। सूत्र देता हुआ चलूंगा, बड़भागी लोग घर में जाकर के सूत्र को पढ़ेंगे, पंचवटी के इस पावन प्रसंग को पढ़िएगा, कितना सुंदर संवाद है। स्थापनम सर्ववर्णेषु प्रेम पूर्वम प्रयत्नतः, कुमार भाइयों का वक्तव्य सुनकर के देवसनाथ को बहुत अच्छा लगा। कुमार भाइयों ने कहा यह समझ लो कि मानो उस साधन व अनुष्ठान आपको प्राप्त हो गया और आप जैसे भक्तों को सर्वथा उचित है कि आप भक्ति की स्थापना करें, आप भक्तियों के भास्कर हैं। सत्कर्म एक तदर्थम तू सत्कर्म और सुरर से तू समाचार दिवर से, हाँ सत्कर्म ठीक कहा, पर सत्कर्म एक नहीं कई कई प्रकार के कहे गए हैं। देवर्षनाथ ने कहा, जैसे कुमार भाइयों ने कहा देवर्षि सुनो, द्रव्य यज्ञास तपो यज्ञास योग यज्ञास तथा परे,
स्वाध्याय ज्ञान यज्ञस्य हेतु कर्म विसूचका द्रव्य तपो यज्ञ। यज्ञ एक प्रकार के नहीं, अनेक प्रकार के कहे गए हैं और अनेक प्रकारों में कतिपय यहां पर वर्णित है। द्रव्य रूपी यज्ञ, यदि परमात्मा ने आपको धन दिया है तो धन पवित्र करिदान, तन पवित्र सेवा किए, धन पवित्र करिदान, तन पवित्र हरि भजन सो होत त्रिविध कल्याण। परमात्मा ने धन दिया है तो दान करो, द्रव्य ज्ञास धन मिला है तो मात्र धर्म करने के लिए, धर्म की सार्थकता अर्थ की सार्थकता केवल धर्म में है, धन की सार्थकता केवल धर्म में है। और यदि धन का अभाव है, शरीर है, तो तपो यज्ञास। यदि धन नहीं केवल तन है शरीर है तो शरीर के द्वारा तप करो। ज्येष्ठ के महीने में पंचाग्नि तापो, माघ के महीने में कंठ प्रदेश तक ठंडे जल में प्रवेश करके भजन करो। अब बरसात हो तो छाया के नीचे नहीं, धारा संपात वर्षा का सहन करना चाहिए। द्रव्य यज्ञास तपो यज्ञास योग यज्ञास तथा परे। द्रव्य नहीं है तो तन को सार्थक करो, और तन भी नहीं है तो क्या करेंगे आप, योग कर लो। योग प्राणायाम के द्वारा, पूरक कुंभक रेचक के द्वारा श्वास वायु पर भी ये प्राप्त करो। योग माने जोड़, अपने को परमात्मा से जोड़ने का नाम योग। हाँ, योग तो अनेक प्रकार के होते हैं। शरीर एक शरीर स्वस्थता का योग होता है, नाखून से नाखून लड़ाओगे तो बाल सफेद नहीं पड़ेंगे, तो ये करोगे तो ये होगा, वो करोगे तो वो होगा। हा? लेकिन शारीरिक स्वस्थता के साथ साथ आध्यात्मिक स्वस्थता भी होनी चाहिए, पारमार्थिक स्वस्थता भी होनी चाहिए, तो बैठ करके योग करना चाहिए। योग यज्ञास तथा और भी कौन उन्हें स्वाध्याय ज्ञान यज्ञास। जो एक होता स्वाध्याय रूपी यज्ञ सत्कर्म, वो क्या है बोले नित्य रामायण का पाठ, गीता का पाठ, भागवत का पाठ, शिव चालीसा, दुर्गा चालीसा, हनुमान चालीसा, न जाने कितने कितने चालीसा होते हैं, उन सब का पाठ करना स्वाध्याय। बोले तो क्या है स्वाध्याय, स्वाध्याय शाम को बैठो और अपने अध्याय के पन्नों को पलटो, दिन भर में कोई नेक कार्य किया है कि नहीं, सोकर के ही दिन बिता दिया कि कुछ भजन भी हुआ है। स्वाध्याय, स्वाध्याय अपने जीवन के पन्नों को पलटो। लेकिन ये जितने भी सत्कर्म हैं स्वर्ग प्रदान करने तक हैं, जिसके द्वारा मोक्ष होना है, जिसके द्वारा ज्ञान वैराग्य का प्रचार और प्रसार होना है, जिसके द्वारा भक्ति की स्थापना होनी है। सत्कर्म सूचकूनम ज्ञान यज्ञ स्मृतो बुधये श्रीमद्भागवतालापः सत गीताश्लोकादिभि, वह श्रीमद्भागवत का पारायण, भक्ति ज्ञान वैराग्य को बल मिलेगा जिस समय भागवत का पारायण होगा, भक्ति के कष्ट दूर हो जाएंगे, ज्ञान वैराग्य को तरुण अवस्था की प्राप्ति हो जाएगी। जिस प्रकार सिंह की गर्जना सुनकर के जंगल के जीव जंतु भाग खड़े होते हैं, ठीक इसी प्रकार जब भागवत की गर्जना होगी दुनिया के जितने भी पाप ताप हैं सब नष्ट हो जाएंगे।